जी देखिए यही खास बात है अयोध्या की। यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं तो शायद सुध-बुध भूल जाते हैं। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तपती हुई धूप है, लेकिन भक्त जो हैं वो नंगे पैर ही रामलला के दर्शन करने के लिए उस राम पथ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। कृष्णा जी हमारे साथ बनी हुई है। कृष्णा जी, वो अलौकिक तस्वीर देखने के लिए, ये तो हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि विज्ञान और अध्यात्म का ये बेहतरीन तालमेल का प्रतीक है, जिस तरह से जो सूर्य तिलक, जो सूर्य किरणें जो है वो हम रामलला के ललाट पर देख रहे हैं, साथ ही जो पीताम्बर वस्त्र, आज पीले रंग का वस्त्र पहनाया गया, इसका भी क्या कुछ खास महत्व है आज के लिए? जो है पीताम्बर वस्त्र, ये पहले तो ये पीला रंग जो है गुरु बृहस्पति का है, और इसको पहनने से अगर हम खुद भी पहनते हैं आज के दिन तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहता है, मन एकाग्र रहता है, भक्तिमय रहता है, और इसकी जो ऊर्जा है हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी रहती है। और गुरु बृहस्पति का जो पीला रंग है वो अपने आप में शुभ माना गया है, देवताओं के गुरु, और उनका ये रंग अगर भगवान विष्णु पहनते हैं, भगवान विष्णु की अगर हम पूजा आराधना करते हैं तो गुरुवार के दिन ही करते हैं, तो उनका भी जो है वस्त्र देखते हैं तो पीताम्बरी रंग का है, और सूर्य की जो किरणें देखते हैं उसमें भी लाल के साथ में पीला रंग भी आता, सुनहरा रंग आता है तो उसमें भी थोड़ा पीलापन होता है, तो ये पीताम्बर रंग अपने आप में बहुत ही ज्यादा शुभ है। इसका रंग में अगर हम भी अपने आप को रंग लें तो आप अपने आप में जो कह देते हैं कि भक्तिमय हो जाएंगे और राममय हो जाएंगे, तो आज के दिन यदि उनके लिए भी जो बच्चे स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि आज के दिन पीले वस्त्र जरूर पहने, ज्ञान का प्रतीक है, विद्या का कारक है ये पीताम्बर रंग, और हमें हमारे मन को एकाग्र रखता है, भोग विलास की चीजों से दूर रहता है, मन अंदर से संत की जैसे बना देता है, एक संत जैसा हमारे अंदर जो है कह सकते हैं जो ऊर्जा है उसका उच्चारण हमें महसूस कराता है। बिल्कुल, तो ये पीला रंग बहुत ज्यादा शुभ है। ठीक है, पीला रंग कितना शुभ है और आज क्यों पीला पीताम्बर रंग रामलला को पहनाया गया है, इसके बारे में आपने बताया। एच एस रावत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एच एस रावत जी, इस बात का जिक्र हमने पहले भी किया कि कैसे ये सूर्य तिलक होगा, मैकेनिज्म किस तरह का रहने वाला है, लेकिन अब ये सूर्य तिलक हो गया है, भगवान रामलला प्रकट हो गए हैं, आपके लिए ये नजारा कैसा है? वाकई अनन्या जी बड़ा अद्भुत है, और मैं तो धन्यवाद देता हूँ आपको, और मैं एक बार फिर अभी जो दर्शक जुड़े उनको बताना चाहता हूँ, इसका एक वैज्ञानिक आधार है, और हमारे जितने भी मंदिर हैं उन सबका एक वैज्ञानिक आधार होता है, उसका चिंतन होता है। देखिए पृथ्वी अपनी एक्सेज के ऊपर 24 घंटे में एक परिक्रमा लगाती है, इसलिए दिन और रात होते हैं। 24 घंटे को पार करने में उसको 360 डिग्री को 24 से भाग करते हैं तो उसको हमारे पास 15 डिग्री आता है, इसलिए पृथ्वी की जो चाल है वो 4 मिनट में 1 डिग्री पार करती है, इसलिए भगवान का जो यहाँ पर त्रिनेत्र है उस पर जो सूर्य की किरण होगी वो 4 मिनट तक पूरी रहेगी, जैसे ही 1 डिग्री को पार करेगी तो तिरछापन आ जाता है। इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूं जो हमारा जो सनातन धर्म है उसका हर चीज डिग्रिकली कला बिकला के हिसाब से बड़ा साइंटिफिक और वैज्ञानिक होता है, इसलिए हमारे पुराने मंदिरों में पहले सीधी सूर्य की किरण आती थी, हमें रिफ्लेक्शन की और इन मिरर की आवश्यकता नहीं होती थी। अभी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शंस बहुत सारी चीजें होने की वजह से हम वो नहीं कर पाते वास्तु के हिसाब से, इसलिए आज का जो दिन है ये अपने आप में इतिहास में ये लिखा जाएगा कि सूर्य की किरण से सीधा ध्यान केंद्र भगवान राम का जागृत हुआ, क्योंकि ये त्रिनेत्र होता है, ये ध्यान का केंद्र होता है, साधना का केंद्र होता है, समाधि का केंद्र होता है, यहां से हम त्रेता युग में जा सकते हैं, द्वापर में जा सकते हैं, सतयुग में जा सकते हैं। इसलिए जो लोग नहीं मानते या जो ये कहते हैं कि हम तो नास्तिक हैं, उनके लिए समझाना चाहता हूं कि यहां पर हमारी याददाश्त का जो केंद्र होता है आज वो एक्टिव हुआ है, हमारे भगवान राम की मूर्ति के जन्मदिन के ऊपर वो एक्टिव हुआ है,
इस वजह से इन सब चीजों का बड़ा वैज्ञानिक आधार होता है। इसलिए हम आज फील कर सकते हैं कि आज भगवान राम का जन्म हुआ और उनको सूर्य देव ने खुद आशीर्वाद दिया अपनी किरणों से 4 मिनट के लिए, जिससे कि उनके पूरे विग्रह के अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है और वो ऊर्जा का संचार लाखों करोड़ों सनातन धर्म को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएगा, पूरे विश्व को लाभ पहुंचाएगा। इसलिए अयोध्या जो धाम है पूरे विश्व में नंबर वन पर रहेगा, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। मैं इसलिए सबको दोबारा से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। योगी हितेश्वर नाथ भी हमारे साथ बने हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। डॉक्टर योगी, आप कैसे देखते हैं आज का दिन, क्योंकि 500 साल के इतिहास में पहली बार रामलला का ये सूर्य अभिषेक हुआ है, आज का दिन कितना खास कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, आज के दिन तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि समस्त देशवासियों को सर्वप्रथम रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और एक गीत गाया जाता है जो अभी आपकी अयोध्या से ही मैं सुन रहा था कि लाला की जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला का जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, आज मेरे राम का जन्म हुआ। और देखिए, वो राम जो चतुर्भुज नारायण के रूप में जब माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए तो माता कौशल्या ने मुख मोड़ लिया, और मुख मोड़ के माता कौशल्या जब जाने लगी कि नहीं, मैंने इस रूप में आपके लिए प्रतीक्षा नहीं किया था, नैमिषारण्य में आपके लिए इसलिए साधना नहीं की थी कि आप इस रूप में मेरे सामने प्रकट होंगे, तो भगवान राम जैसे ही माता कौशल्या खड़ी हुई तो राम जी ने माता का लहंगा पकड़ लिया, और लहंगा जैसी पकड़ा तो तुरंत माता से बोलने लगे, माँ मुझे आपने साधना करके मुझे बुलाया और आप जा रही हैं? बोले, मुझे इस रूप में नहीं चाहिए, मुझे तो शिशु के रूप में चाहिए। कैसा शिशु का रूप? जो जन्मजात बालक, नन्ना मुन्ना बालक के रूप में मेरे सामने। तो भगवान राम ने को कहा, माता कौशल्या, नहीं, चार वाला हाथ नहीं चाहिए, पिता नहीं चाहिए, पुत्र चाहिए। तो भगवान ने तुरंत अपने दो हाथ हटा के कद को छोटा किया, बोले और छोटे हो जाओ, बोले कितने, बोले नन्हे से शिशु के रूप में, और सीधे भगवान शिशु के रूप में, बोले अब क्या करूं, जे शिशु लीला अति प्रिय शीला, मतलब शिशु लीला कीजिए। बोले कौन सी लीला? सुनी बचन सुजाना, रोदन खाना, हुई बाल के सुर भूपा। ऐसे हो जाओ जैसे नन्ना मुन्ना बच्चा रोता है, ये नहीं बोलता कि माँ मुझे देखो, नन्ना मुन्ना बच्चा तो जन्म लेता तो रोता है, तो आज भगवान राम माता की आज्ञा मानकर रो रहे हैं और ठान लिया कि आज तो मुझे रोना है। फिर बोलते मैया, अच्छा ये तो बताओ रोऊं क्यों? बोले रोना इसलिए है राम, क्योंकि इस जगत में जो लोग दुखी हैं, क्योंकि दुखाले है ये जगत, जो लोग दुखी हैं, जिनके आंसू निकलते हैं, उन आंसू की कीमत को जब ही समझोगे मेरे ठाकुर, जब तुम खुद रोगे। तो भगवान राम ने माता की आज्ञा को मान के रोना प्रारंभ किया, और इसलिए भी रो राम कि इस कक्ष में सिर्फ तुम और हम हैं, ताकि रोने की आवाज सुन के बाहर पता चले कि आज देखो राम का जन्म हुआ। तो आज वही राम का भव्य जन्म हमारे अयोध्या पावन नगरी में हुआ है, और हम सब मिलकर उस जन्मोत्सव को मना रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इस पवित्र पावन दिन, नौमी तिथि में दिवास पुनीता, इस पावन दिन पूरे देश को भव्य तौर से मेरे हृदय से, चैनल में जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं सभी मेरे बड़े आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, मैं सबका बड़ा सम्मान करता हूँ। हमारे रावत जी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई, और हम, मैं सभी के साथ, मेरी बहन भी बैठी है, मैं सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सबको मेरी ओर से राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, हर हर महादेव, जय श्री राम। बिल्कुल योगी हितेश्वरानाथ आपके पास हम आएंगे, अनिल भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, एक तरफ हम दर्शकों को लगातार वो नजारा भी दिखा रहे हैं जहाँ पर कैसे सूर्य तिलक जब भगवान रामलला का हुआ, और कैसे जो सूर्य ने, एक तरह से कह सकते हैं कि जो सूर्य की किरणों से जगमग हो उठा रामलला का ललाट, वो तस्वीरें, वो नजारा अपने आप में बेहद अद्भुत था। जो भक्त वहां पर मौजूद हैं उनसे जरा बात करिए और समझिए कि उनके लिए कितना खास वो पूरा नजारा था।
श्रीरामचंद्र महाराज की कुछ चौपाइयां आज याद आती है इस परिदृश्य को देखते हुए कि कबहु उछंग कबहु बर पलना मात दुलार कह के लौन। जो संत होता है वो एक माँ के जैसे रामलला की सेवा करता है, पूजा करता है, पाठ करती है। वही परिदृश्य आज रामनगरी अयोध्या में है और जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, जो राम के भक्त आए हैं, वो भी पूरी तरह से राम है। क्या शुभ नाम होगा आपका? कमलेश मिश्रा। मिश्रा जी कहाँ से आए हैं? पटना से। आज रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, कैसे दिन? बहुत अच्छा लगा, समझिए मतलब इतने लंबे वर्षों के बाद आज राम जी का मंदिर भव्य मतलब तैयार हुआ था, उसके बाद आज प्रथम रामनवमी का मनाया जा रहा है उनका इस मंदिर में, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए उत्सव का माहौल है सब जगह। आज सूर्य भी अभिषेक हुआ है, सूर्य का चंदन लगा है रामलला के मेला में। इसको हम मैं लाइव नहीं देख पाया। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक बात करिए, जो भक्त वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि मुझे प्राण प्रतिष्ठा का भी वो दिन याद आ रहा है जब मैं वहां पर मौजूद थी और एक अलग ही उत्साह जो है वो उस दिन नजर आ रहा था। उसी तरह का उत्साह जो है वो आज भी दिख रहा है, क्योंकि रामनवमी का दिन है और ये कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान रामलला जो है वो त्रेता युग में प्रकट हुए थे। क्या वहां पर जो भक्त है वो उनको उस तरह का एहसास है कि आज जो अयोध्या है वो त्रेता युग वाली अयोध्या नजर आ रही है? लग रहा बहुत जोरदार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। कैसा अनुभव रहा? बहुत आनंद आ रहा भैया। कहाँ से आए? श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, हाँ, उदयपुर के पास, राजस्थान। आज राजस्थान से यहाँ आकर भगवान का जब दिव्य सूर्य तिलक हुआ तब कैसा? देखो सबसे पहले तो हम हमारे गुरु को धन्यवाद देना चाहते हैं, उनकी प्रेरणा से हमको यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। तिलकायत महाराज से और विशाल बाबा साहब की आज्ञा से हम 1,00,000 खाजा लेके यहाँ पे वितरण के लिए आए। ठाकुर जी का भोग लगा यहाँ पे, रामलला का भोग लगा और यही मित्रण में हम देख के आए अंदर। अभी वही प्रसाद ठाकुर जी के, ठाकुर जी का प्रसाद ही सब वैष्णवों में बट रहा है यहाँ पे, तो ये देख के हमको बहुत आनंद आ रहा है। और अभी हम सब जस्ट सूर्य तिलक के दर्शन करके आए, हमसे सौभाग्यशाली और कौन होगा कि जब सूर्य तिलक हो रहा रामलला का और उनके सन्मुख खड़े हुए हम उनका दर्शन कर रहे, तृप्त हो गए भैया। कैसा कैसा अनुभव? बहुत ही सुंदर अलौकिक दर्शन हुए। हम जैसे अंदर पहुंचे सूर्य तिलक के दर्शन का लाभ मिला, लाभ मिलते सी जैसे बाहर निकले ऐसा लगा कि श्री जी बाबा के भी दर्शन हमको यहाँ पे हो गए, एक साथ दोनों दर्शन हुए, श्री राम के दर्शन हुए, श्री मोहन के दर्शन हुए, दोनों के एक साथ दर्शन हुए। हमारे जो बाबा साहब है विशाल बाबा साहब, उनकी आज्ञा से हमको दर्शन का आनंद, आनंद की अनुभूति, आनंद तो आप ये समझ लो उसके बोल के हम बता भी नहीं सकते कितने आनंद का लाभ हुआ। ऐसा स्वयं लगा कि हम श्री अयोध्या में श्री राम के घर पे पधार गए और उन्हें घर पे आनंद ही, मतलब बाहर निकलने का मूड मौसम ही नहीं है। जय सिंह राधरन की जय। देखिए कैसे आनंदित है मन लोगों का, ये देखिए पैदल नंगे पांव लोग गर्मी में धूप में बिना मौसम की परवाह किए लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हुआ? जय श्री राम सीता। गर्मी में धूप में पैर जल रहे होंगे। जी 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 जी, ज्यादा ही जल रहा है मेरा पैर। लेकिन तब भी लोगों की जो भक्ति भाव है ना वो कहीं से कम नहीं है। लेकिन चाहे मौसम चुनौती दे रहा हो, गर्मी चुनौती दे रही हो, लेकिन प्रभु की आस्था में लीन मन कोई दर्द, कोई धूप, कोई गर्मी महसूस नहीं करता। जी बिल्कुल। अभिषेक आपके पास आएंगे, हमारे साथ आचार्य कृष्णा जी भी बनी हुई है। आचार्य कृष्णा जी, क्योंकि वो तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को एक तरफ दिखा रहे हैं कि कैसे भगवान सूर्य जो हैं वो रामलला के ललाट पर नजर आ रहे हैं, रामलला के ललाट को सुशोभित कर रहे हैं।